हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हम देख चुके हैं कि की क्या होती है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि की को कैसे ड्रा करते हैं। एग्ज़ाम में की फ्री हैंड ड्रा करना भी आ सकता है। चलिए आइए देखते हैं कैसे ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर पैरेलल संघ की को ड्रा करेंगे। रेक्टेंगुलर पैरेलल संघ की को ड्रा करने से पहले हमें इसकी डायमेंशन का पता होना ज़रूरी है। डी डायामीटर हम 40 mm एज्यूम करेंगे। वेट जिसको बी से भी नोट करते हैं, डी बाय 4 लेंगे। हाइट ऑफ द की जिसको थिकनेस टी से भी नोट कर सकते हैं, डी बाय 6 लेंगे। लेंथ ऑफ की इसको 1.4D से लेकर 3D तक ले सकते हैं। हम इनमें D की वैल्यू पुट करेंगे। D40/4, D40/6, इसमें हम 1.4 से लेकर 3D तक लेंथ ले सकते हैं। इसको हम 1.5D एज्यूम कर लेते हैं। 1.5 × 40, ये इज इक्वल टू 10 mm, 6.66 mm। मैं की ड्रा करके दिखाता हूँ आपको। ये हाइट, ये विड्थ, हाइट, ये लेंथ, ये हाइट, इसको यहाँ तक ही ले लेते हैं। इसको रब कर देंगे हम। ये विड्थ होती है की जो बी के इज इक्वल टू बी ले देते हैं इसको हम। ये हाइट इज इक्वल टू टी फॉर थिकनेस भी ले देते हैं। ये लेंथ एल से डिनोट करते हैं। इसके व्यू ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमें एक सेंटर लाइन लेनी है जो थोड़ा लाइट कलर में होनी चाहिए। किसी भी पॉइंट से हमें ने डी जो डाया दिया हुआ है उसका हाफ पोर्शन ऊपर हाफ पोर्शन नीचे एक लाइन लगाएंगे। डी हमारे पास 40 है, 20 नीचे 20 ऊपर, ये दो लाइन लगाएंगे। ये जो लेंथ हमने लगाई है ऊपर नीचे दो लाइन जो लगाई है हमने, ये लेंथ ऑफ शाफ्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये लेंथ ऑफ शाफ्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। शाफ्ट हमारी काफ़ी लेंथ हो सकती है उसकी, तो उसको साइड से हम उसका कुछ पोर्शन काट कर दिखाते हैं। तो जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखिए, ऐसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद इसके अंदर यहाँ पे हमें मालूम है की वे होता है जिसके अंदर हम की को इंस्टॉल करते हैं। और ये तो फ्रंट व्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर हम साइड व्यू भी ड्रा करेंगे। इसका साइड व्यू के लिए इसी लाइन पर हमें एक डॉट पॉइंट लेना है। उस पॉइंट से डी हमें मालूम है जो डायामीटर है, इस शाफ्ट का जो डायामीटर है डी, इस शाफ्ट के जो ये डी 40 लिया हुआ है हमने, ये इस शाफ्ट का डायामीटर लिया हुआ है। और उसका जो साइड व्यू देखेंगे हम तो वो पूरा जो सर्कल लगेगा वो डी डायामीटर का लगेगा। तो इसका रेडियस हमें 20 लेना है। 20 रेडियस लेने के बाद हमें एक सर्कल लगा देना है। ये साइड व्यू ड्रा होने के बाद
अब इस की को हमने यहाँ पर इंस्टॉल करना है। जैसे इसका ये वाला साइड व्यू है, फ्रंट व्यू है, और ये वाला साइड व्यू है। फ्रंट व्यू इस शाफ्ट में डालने के बाद यहाँ दिखाई देगा, और साइड व्यू इस साइड से अगर देखते हैं तो यहाँ से इसका साइड व्यू यहाँ दिखाई देगा, जो ये वाला होगा। देखिए इसको कैसे ड्रा करते हैं। ये मैं रेक्टेंगुलर की ड्रा कर रहा हूँ। इसको ड्रा करने के बाद इसकी जो बीच वाली जो ये लाइन है, इसको आपने रब कर देना, क्योंकि ये दिखाई नहीं देगी, सिर्फ साइड वाली ही इसको दिखाई देंगी। जो ये की है, ये पूरी की पूरी की दिखाई देगी। अब हमें मालूम है कि शाफ्ट के ऊपर एक कीवे था। कीवे की को डालने का जो रास्ता होता है उसे कीवे बोलते हैं, जिसके अंदर की आ जाती है, उसको ऐसे दिखाना है। अब उसके बाद इस पोर्शन को हमें यहाँ से थोड़ा कटिंग फेस में दिखाना होता है, ताकि हमें ऐसा लगे कि शाफ्ट को हमने काट कर दिखाया हुआ है। ये जो पोर्शन होता है कीवे, ये वो ग्रूव होता है जिसके अंदर की होती है, उसको ऐसे दिखाते हैं। उसके बाद ये जो पोर्शन है हमने काट कर दिखाया हुआ है, तो ये तो ग्रूव आ गया और ये कटिंग सरफेस ऑफ द शाफ्ट आ गया। ये फ्रंट व्यू है, ये इसकी लेंथ होगी हमारी की की, जो हमने इस शाफ्ट के अंदर डाली है। उसका साइड व्यू बिल्कुल यहीं पर ड्रा होगा, इसके सेंटर में। इसका सेंटर हमने लिया हुआ, ये इसकी हाइट की, और ये विड्थ है उसकी की। इसके साथ ये हमारा इसका साइड व्यू ड्रा हो गया। अब इस साइड व्यू को हम क्रॉस सेक्शनल ऐसे दिखा देंगे, क्योंकि हमने शाफ्ट यहाँ से काट कर दिखाई हुई है। कुछ पोर्शन शाफ्ट का दिखाया, पूरी की पूरी शाफ्ट हम, क्योंकि लेंथ शाफ्ट की काफ़ी हो सकती है, इसलिए उसको ड्राइंग में शीट पर हम पूरा उसको ड्रा नहीं कर सकते, इसलिए उसका कुछ पोर्शन दिखाते हैं हम। ये बी ब्रेथ होगी, और ये इसकी हाइट है की जो एच थी। हाइट हमने कितनी ली हुई थी, 6.6, और जो विड्थ थी, इसको ब्रेथ बोलते हैं, 10 mm ली हुई थी। लेंथ ऑफ द शाफ्ट कितना था, 60। ये लेंथ ऑफ द शाफ्ट 60 है, और ये जो डी है, जो हमने शाफ्ट के लिए डी लिया था, डायमीटर डी, जो 40 mm है। ये आपका रेक्टेंगुलर पैरेलल संघ की तैयार है। उसके बाद